हेलो एवरीवन। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फाइव। चैप्टर फाइव का सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। 5.1 सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, तो क्वेश्चन मेरा है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x)=5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x=0, -3 और 5। देखिए, हमें इन तीनों पॉइंट पे इस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक, तो देखिए, मतलब हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग पहले, जो लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, ताकि जो चीज़ इसमें ना, जो चीज़ उधर इसमें समझ में आए उसमें ना आए तो उसमें आ जाएगी। जो चीज़ अगर आप लोग एक वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोग को, मतलब कि वो, मतलब कि आप लोग को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डाउट निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, डाउट निकल जाएगा। लेकिन आप लोग जब वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आएंगे तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं निकलने वाला है। ठीक, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है मेरा, प्रूफ क्वेश्चन फर्स्ट में हमें इन तीनों पॉइंट पे कंटिन्यूस चेक करना है इस फंक्शन का। तो चलिए हम इस पॉइंट पे कंटिन्यूस चेक करते हैं इस फंक्शन का। तो सबसे पहले हम जीरो पर लेकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सबसे पहले हम जीरो पर चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू 5। फंक्शन है मेरा 5x-3। ठीक, तो यहाँ पे हम इसकी f(x) की, मतलब इस फंक्शन पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर तीनों चेक करेंगे कि सेम है या नहीं है। तीनों एक जैसे इक्वल रहते हैं तो वो कंटिन्यूस है, अगर तीनों में से कोई एक अलग रहता है तो वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे 5x-3, तो यहाँ पे f, यहाँ पे हम लिखेंगे f जो है वो मेरा यहाँ पे जीरो रख के निकालना है x पे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 5 × x की जगह हम जीरो रख देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास -3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो मेरी यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास -3। तो f(x) की वैल्यू मेरे पास आ गई, f जीरो पे मेरी वैल्यू आई है -3। ठीक, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, अब हम, ये तो मेरे पास इसकी इसकी f(x) की वैल्यू आ गई। ठीक है, f जीरो रख के निकालने हैं तो मेरे पास 3 आया है। ठीक, तो अब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं कि वो क्या आता है, फिर उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे f(x) की वैल्यू मेरे पास आई है -3 आ गई है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, फिर यहाँ पे x टेंस टू जीरो और यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। माइनस साइन यहाँ पे क्यों लगाएं, क्योंकि जीरो नहीं है, ये तो जीरो से थोड़ी सी छोटी हो, ये जीरो इसलिए लगाएं क्योंकि जीरो से जीरो ये एक्यूरेट जीरो नहीं है, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, ये जीरो थोड़ी सी छोटी है, जीरो से ये थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, इस चीज़ को हम और अच्छे से अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाए हैं, जो 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 कि आप लोग उसको जाके देखिए तो और अच्छे समझ में आएगा, इसलिए हम बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे x टेंस टू जीरो और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा f और यहाँ पे हो जाएगा x। फंक्शन की वैल्यू मेरे पास अब क्या है, अब वैल्यू रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास है लिमिट, फिर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो से थोड़ी सी छोटी, ठीक है, इसलिए माइनस साइन लगाए हैं, और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू थी 5x-3। ठीक है, तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको जीरो रख देंगे, यहाँ पे हम जीरो रखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा जीरो रखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब थोड़ी सी छोटी रखना है। ठीक है, 5x की जगह जीरो, जीरो जीरो देखिए यहाँ माइनस साइन, मतलब थोड़ी सी छोटी वैल्यू हम कौन सी लेकर रखें यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ी सी छोटी लेने के लिए हम यहाँ पर h लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम h लेते हैं, थोड़ी सी छोटी वैल्यू। ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ी सी छोटी वैल्यू में हम एच ले लिए हैं। एच लेने के बाद यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और ये थ्री उतार देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एच लिए हैं तो इसको भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू यहाँ पे जीरो, यहाँ पे हम जीरो लिख दिए हैं, ठीक है। थोड़ी सी छोटी लिए हैं तो एच टेंस टू यहाँ पे जीरो रख दिए हैं, ठीक। तो ये अब मेरी हो गई, ठीक। यहाँ पे यहाँ तक तो अब मेरा हो गया। अब देखिए थोड़ी सी छोटी लिए हैं इसलिए यहाँ पे जीरो रख दिए हैं। अब एच की वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक। तो अब इसको यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मेरे पास फाइव हो गया और जीरो माइनस यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। एच की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। फिर जीरो में फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस का थ्री, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आया, यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस का थ्री, ठीक। तो यहाँ पे भी माइनस थ्री आ गया है, यहाँ पे भी माइनस थ्री आ गया है, ठीक। अब हम निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे इसको निकाला है वैसे इसको भी राइट हैंड लिमिट निकाला है, कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे जीरो से थोड़ी सी बड़ी, ठीक है लेंगे, ठीक है थोड़ी सी बड़ी, ठीक। तो थोड़ी सी बड़ी लेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ आप लिख देंगे एफ एक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है फाइव एक्स माइनस थ्री, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स टेंस टू जीरो, जीरो से थोड़ी सी बड़ी लिए हैं, ठीक, थोड़ी सी बड़ी लिए हैं, ठीक है। तो अब इसको हम जैसे इसको सॉल्व किए वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे एच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे हम एच लिखने वाले हैं, फाइव जैसे ये किए वैसे ये भी कर रहे हैं, जीरो हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा एच, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का थ्री। तो यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे जब जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, फिर जीरो में फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास फाइनली बचा माइनस का थ्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस थ्री, यहाँ पे भी माइनस थ्री, यहाँ पे भी माइनस थ्री। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास ये जो मेरी फंक्शन है जो ये मेरी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, मेरी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक। तो यहाँ पे अब हम जीरो जीरो पे तो रख के चेक कर लिए हैं, अब हम चेक करेंगे माइनस थ्री पे रख के, ठीक है। तो माइनस थ्री पे रख के अब हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एट, यहाँ पे लिख देते हैं एट एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। माइनस थ्री रख के हम इसको चेक किए हैं, इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। माइनस थ्री पे हम रखेंगे जैसे वो पहला जैसे इसका पहला पार्ट निकाले वैसे इसका दूसरा पार्ट भी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास फंक्शन क्या दिया था, फंक्शन दिया था फाइव एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर रखना है मेरे पास माइनस थ्री, माइनस थ्री रखने के बाद यहाँ पे हम इसको यहाँ पे भी पुट कर देंगे माइनस थ्री, तो फाइव यहाँ पे हो जाएगा माइनस का थ्री और यहाँ पे हो जाएगा माइनस थ्री, यहाँ पे हो जाएगा फाइव थ्री या फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन और माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन माइनस थ्री, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का यहाँ पे हो जाएगा एटीन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास माइनस का एटीन हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का एटीन हो गया, तो जो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस एटीन आई है, ठीक। तो अब देखिए अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आ गई है माइनस एटीन, तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे एक्स टेंस टू जो हम थ्री रखेंगे वो थ्री थोड़ी सी छोटी रखेंगे, ठीक है। तो छोटी रखने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिए हैं, तो बस यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एफ, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एफ और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे लिमिट और यहाँ पे फाइव एक्स माइनस थ्री, ये चीज़ हम लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक्स टेंस टू माइनस थ्री, अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट, सॉरी यहाँ पे लिमिट पहले नहीं लिखते हैं, पहले इस चीज़ को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फाइव और यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स की जगह थ्री रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री, ठीक है। अब इससे थोड़ी सी छोटी माइनस साइन है, तो थोड़ी सी छोटी लेने के लिए हमें यहाँ पे एच लिख देंगे, ठीक है। थोड़ी सी छोटी वैल्यू कोई लेना है, ठीक। तो थोड़ी सी छोटी के लिए हम एच ले लिए हैं, ठीक है, एच ले लिए हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, और फिर यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास बचा माइनस का थ्री,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 3, तो इसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट, और यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट, और यहाँ पे थोड़ी सी छोटी लाइन है तो इसको भी इस चीज़ को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो एच टेंस टू 0 लिख देंगे। ठीक है, जो एच जो जो एच है वो 0 है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में से 0 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जाए 15, माइनस का सॉरी यहाँ पे माइनस 3 था, ये चीज़ माइनस 3 है, 3 है तो यहाँ पे मेरा माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये 5 3 जाए 15 तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 15, माइनस 15 और माइनस 3, तो यहाँ पे मेरे पास लिखा जाएगा आ जाएगा मेरे पास जो यहाँ पे आएगा वो ये चीज़ आएगी। देखिए इस चीज़ को एक बार एक स्टेप और करके हम दिखाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 5 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 और एच जो है वो मेरा 0 है तो यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस 3 तो यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाएगा 5 3 जा 15। ठीक, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15 और यहाँ पे माइनस 3 है तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है मेरी माइनस 18 आ गई है। तो अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे लिखा जाएगा लिमिट और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एक्स टेंस टू 3 पर निकाल रहे थे तो हम यहाँ पे 3 और यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालना है तो यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा, फिर यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लिमिट और यहाँ पे हो जाएगा एक्स टेंस टू 3 प्लस और मेरी फंक्शन की वैल्यू थी मेरी 5x माइनस 3। ठीक, 5x माइनस 3 थी, फिर यहाँ पे इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 3, तो यहाँ पे माइनस 3 है तो यहाँ पे माइनस 3 रख देंगे। ठीक है, माइनस 3 और थोड़ी सी बड़ी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी बड़ी रखने के लिए कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जो थोड़ी सी बड़ी रहे। ठीक है, बस थोड़ी सी बड़ी, तो यहाँ पे प्लस का h हो जाएगा। ठीक है, प्लस का एच हो जाएगा तो इसको यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट और यहाँ पे एच टेंस टू 0। ठीक है, एच टेंस टू 0 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है माइनस 3 है तो फिर माइनस 3 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे मेरे पास माइनस 3 आएगा, फिर यहाँ पे एच जो है वो 0 है तो यहाँ पे प्लस का 0 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा माइनस 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस 15 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 15 और माइनस 3 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 18। तो राइट हैंड भी मेरे पास आया है माइनस का 18, राइट हैंड भी लिमिट माइनस का 18 आया है और लेफ्ट हैंड भी मेरे पास माइनस का 18 आया है, फंक्शन की वैल्यू भी मेरे पास माइनस का 18 आया है। तो यहाँ पे अब ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ मेरी क्या है, जब तीनों माइनस 18 माइनस 18 माइनस 18 आई है तब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू जब हम 3 लिए थे तो सारी जो आई थी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों मेरी माइनस 18 आई थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी मेरा कंटिन्यूअस है। ठीक, देखिए हम माइनस 0 पर भी निकाल लिए हैं, माइनस 3 पर भी निकाल लिए हैं, अब फंक्शन की वैल्यू जो है हम निकालेंगे 5 पे। ठीक है, हमें तीन पॉइंट पर निकाल के देखना था कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हम देखिए 0 पर भी निकाले हैं तो कंटिन्यूअस आया है, फिर हम माइनस 3 पर भी निकाले हैं तो मेरे पास कंटिन्यूअस आया है, अब मेरा लास्ट पॉइंट है एक्स यहाँ है 5, तो अब हम 5 पर निकाल के देखते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है मेरे पास 5x माइनस 3 है तो माइनस 3 लिख दिए। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा f और x की वैल्यू जो है मेरे पास 5 है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा, x की जगह 5 रख देंगे और फिर माइनस 3 हो जाएगा, तो 5 जब 25 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 25 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 22। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू मेरी आई है, फंक्शन की वैल्यू आ गई है मेरे पास 22। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए जैसे हम बाकी क्वेश्चन में निकाले हैं, बाकी सेकंड के जो दो क्वेश्चन में निकाले हैं वैसा ही हम इसमें भी निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे x टेंस टू 5 और यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू मेरी क्या है लिमिट
लिमिट है, फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लिमिट, फिर यहाँ पे 5x-3 है, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे x माइनस x टेंस टू 5-, ठीक। फिर इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक, और यहाँ पे x की जगह हम 5 रख देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 5। फिर उसके बाद हमको थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखना है, तो थोड़ी सी छोटी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी छोटी रखने के लिए हम यहाँ पे h रख लेते हैं, जैसे बाकी के क्वेश्चन में रखे हैं, तो यहाँ पे h रख लेंगे, ठीक है। इसको h को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा लिमिट में, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इसको 0 दिखा देते हैं, h टेंस टू 0 है, ये x नहीं है, यहाँ पे h टेंस टू 0 है, h टेंस टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे -3 है, तो -3 लिख लेते हैं। फिर इसको बाकी आगे और सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5-0, ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 में 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 22, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू भी मेरे पास 22 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 22 आई है, अब राइट हैंड लिमिट भी निकाल के देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे भी मेरे पास हो जाएगा 25 में से 3 माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 22, ठीक। तो लेकिन हमें यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इस तरह भी कर देंगे तो मेरा सही रहेगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखा के समझा रहे हैं कि यह माइनस है यहाँ पे, तो क्यों माइनस है, थोड़ी सी वैल्यू इसको रख के हमको दिखाना पड़ रहा है, तो इस चीज को हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। बाकी आप लोग चाहें अगर तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे इस तरफ आपकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 5 5 25 25 में से 3 माइनस कर देंगे फिर भी 22 आ जाएगा, लेकिन हम इस तरह आपको दिखा रहे हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक, जैसे बुक में किया है, ठीक है, तो यहाँ उस तरह हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई है, अब हमको निकालना है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे अब हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5+ लिख देंगे। फिर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास है लिमिट, यहाँ पे एक बार लिमिट लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे x टेंस टू 5+ अब फंक्शन की वैल्यू लिख देंगे, तो फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास 5x-3 है, ठीक है, इस चीज़ को हम लिख लिए, ठीक। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, देखिए मैं एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट भी करके दिखा देते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रख देंगे 5, ठीक है, फिर यहाँ पे रख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ यही चीज़ एक्स की जगह हम 5 रख दिए हैं, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, फिर -3 रख दिए हैं, तो देखिए 5 5 20 25 25 में से 3 माइनस कर दिए हैं तो भी मेरे पास आ गया है 22। तो देखिए यहाँ पे इस तरह भी हम कर सकते हैं, तो देखिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू भी 22 आई है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 22 आई है, फिर मेरे पास राइट हैंड लिमिट भी मेरे पास 22 आई है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि f इज कंटिन्यूअस, ठीक, एट x इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है। तो हमारे इन तीनों पॉइंट पे 0 पे और फिर -3 पे और 5 पे, इन तीनों पॉइंट पे मेरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअस आई है, तो मेरे पास मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन सेकंड है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x)2x²-1 एट x=3। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही इसमें क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करना है, लेकिन इसमें बस एक पॉइंट दिया हुआ है वो भी x=3, तो जब हमें पॉइंट दिया जाता है हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हमें एट x=3 पर लेके हम इसे सॉल्व करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू मेरे पास ये दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है f(x)=, इसमें भी यही चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास फंक्शन यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है 2x²-1, ठीक। और हमें चेक किस पे करना है 3 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे @x=3, ठीक। तो हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक, फिर उसके बाद उसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे
ये चीज़ लिख दी है। ये चीज़ लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे f लिखना पड़ेगा और ये जो x है, x जो है यहाँ पे हम 3 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2, और यहाँ पे जो x है यहाँ पे भी हम 3 रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 3 3, ये हो जाएगा मेरे पास 3 3 3 9, और 9 में 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18, 18 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 17। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 17। तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई 17, फंक्शन की वैल्यू तो मेरे पास 17 आ गई है। अब हम निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे हम बाकी को क्वेश्चन में निकाले हैं वैसे इसमें भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, फिर यहाँ पे x टेंस टू 3, ठीक है, x टेंस टू 3, थोड़ी सी छोटी, ठीक, जैसे हम बाकी को क्वेश्चन में निकाले हैं। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 2x² - 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व जैसे हम क्वेश्चन में बाकी को क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x टेंस टू 3 माइनस है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे मतलब x की जगह 3 रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर, थोड़ी सी छोटी वैल्यू, थोड़ी सी छोटी वैल्यू में हमें लेते हैं h, जैसे बाकी को क्वेश्चन में लिए हैं। तो यहाँ पे ले लिए हम h, और यहाँ पे इस चीज़ को दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिमिट लिमिट, और यहाँ पे लिख देंगे h टेंस टू 0, ठीक है, h जो है वो 0 है मेरा। यहाँ पे ये चीज़ हम दिखा दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया मेरे पास 2 × 3² - h, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा 3 3, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है, 0 लिख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक। अब इसको देखिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 में से 0 माइनस करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 3, ठीक है, और फिर 3 3 3 3 3 9 9 × 2 18, 18 में 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ये आ गया 17, ठीक है। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू भी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई है 17, और यहाँ पे भी आ गई है 17। अब हम इसी तरह निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, और यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यहाँ पे भी x टेंस टू 3 प्लस, बाकी जो फंक्शन की वैल्यू वो लिख देते हैं, 2x² - 1 है, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 2, और x की जगह हम 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले लेंगे, तो थोड़ी सी छोटी वैल्यू में हम यहाँ पे लेते हैं h लेने के बाद यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये इस तरह हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, और एच जो लिए हैं इसको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। तो लिमिट, और यहाँ पे h टेंस टू, यहाँ पे 0 हो जाएगा मेरे पास, 0 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे 0 हो गया जब मेरे पास, तो अब यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 3, 3 में 2 का 3 3 3 9 9 9 2 18 18 में 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 17। तो यहाँ पर भी मेरे पास आ गया 2, यहाँ पे इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ प्लस होगा 3 प्लस 0, और यहाँ पे 2 - 1 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे पास 17 आ गया है, यहाँ पे भी 17 आ गया है, यहाँ पे भी 17 आ गया है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि f इज कंटिन्यूअस एट x टेंस टू 3 पे, 3 पे मेरा ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी मेरा कम्प्लीट। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें बोला है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। देखिए इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें कोई एक पॉइंट तो दिया नहीं है। जैसे हर क्वेश्चन में हमें एट एक्स इक्वल टू कोई 3, कोई 5, कोई 0 करके हमें क्वेश्चन में दे रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें चेक करना है तो कंटिन्यूटी, लेकिन कोई पॉइंट नहीं दी हुई है। कोई पॉइंट जब नहीं दी होती है तो हम यहाँ पे फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब कि कोई भी हम एक रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है,
कोई भी हम एक अपने मन से कोई रियल नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे, हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये मेरे पास कोई फंक्शन दी हुई है, तो यहाँ पे ये तो फंक्शन दी हुई है, तो यहाँ पे हम कोई एक रियल नंबर मांग लेते हैं। तो रियल नंबर हम किसको मानते हैं, रियल नंबर मान लीजिए हम सी को मान लिए, ठीक है, रियल नंबर हम सी को मान लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बी अ सी बी ए रियल नंबर, ठीक, रियल नंबर, ठीक है। सी को हम कोई रियल नंबर मांग लिए हैं, तो यहाँ सी बिलोंग्स टू आर, ठीक, सी बिलोंग्स टू आर हो गया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ इससे सी से फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ से हम तो यहाँ पे जो लेट कर लिए हैं सी, तो सी पे अब हम निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू चलिए हम सिंपल यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एफ एक्स, सॉरी एफ सी सी न है, यहाँ पे सी माने हैं, तो यहाँ पे एक्स की जगह अब हम सी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज इक्वल टू सी माइनस फाइव, ठीक। तो यहाँ पे आ गई मेरी फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे एक्स था, ठीक, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी एक्स था, तो यहाँ पे हम सी जब मान लिए हैं, यहाँ पे मेरे पास सी हो गया, एक्स की जगह हम सी लिख दिए, यहाँ पे भी एक्स की जगह सी लिख दिए, तो फंक्शन की वैल्यू आई है मेरे पास सी माइनस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और राइट हैंड लिमिट निकालना है, फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आ गई है सी माइनस फाइव, ठीक। तो अब हम यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालेंगे लिमिट, और यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे लिमिट, और यहाँ पे मेरे पास लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, यहाँ पे भी एक्स टेंस टू सी माइनस, सी से थोड़ी सी छोटी, जैसे बाकी क्वेश्चन में हम सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस फाइव थी, एक्स की जगह अब हम सी रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को निकालते हैं, तो यहाँ पे एक्स की जगह सी रख देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास सी हो गया, और यहाँ पे थोड़ी सी छोटी वैल्यू में, जैसे हम हर जगह क्वेश्चन में एच रख देते थे थोड़ी सी छोटी के लिए, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी छोटी के लिए हम यहाँ पे एच रख देते हैं, ठीक। और फिर मेरे पास है माइनस का फाइव, तो यहाँ पे माइनस का फाइव रख दिए, जो यहाँ पे एच रखे हैं इस चीज़ को यहाँ पे लिमिट में हम दिखा देते हैं, लिमिट एच जो है वो मेरा एच टेंस टू जीरो है, ठीक है, एच जो है वो मेरा जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे सी माइनस एच और माइनस फाइव, तो सी जो है, अरे सॉरी, एच जो है वो मेरा जीरो है, यहाँ पे इस चीज़ को हम दिखा दिए हैं, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सी माइनस जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सी माइनस जीरो माइनस फाइव, तो यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस फाइव, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, सी माइनस फाइव। निकाल लिए हम यहाँ पे निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के जैसे हम बाकी को क्वेश्चन में निकाले वैसे इसमें भी निकालते हैं, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स टेंस टू, यहाँ पे सी लिखे हैं हम, तो यहाँ पे सी का सी प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास लिमिट है, और यहाँ पे मेरे पास एक्स टेंस टू सी प्लस है, और यहाँ पे वैल्यू है एक्स माइनस फाइव है, ठीक है, एक्स माइनस फाइव है, तो एक्स माइनस फाइव लिख लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स की जगह हम सी लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी माइनस सी माइनस सी हो गया, और हाँ एक्स की जगह हम सी लिख दिए। अब थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी बड़ी में देखिए हम क्या लिखेंगे, थोड़ी सी बड़ी में, सॉरी थोड़ी सी यहाँ प्लस होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो थोड़ी सी बड़ी में हमारे पास लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा मेरे पास एच, थोड़ी सी बड़ी में मेरे पास एच है, ठीक। और फिर मेरे पास है माइनस का फाइव, और फिर यहाँ पे एच लिखे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को दिखा देते हैं लिमिट एक्स टेंस एच टेंस टू जीरो, क्योंकि जो एच है वो मेरा जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सी प्लस एच माइनस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एच मेरे पास है जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस फाइव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है, और सी, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास फाइव। तो देखिए यहाँ पे भी सी माइनस फाइव आया है, यहाँ पे भी सी माइनस फाइव आया है, यहाँ पे भी सी माइनस फाइव आया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब ये हम कह सकते हैं कि जो ये मेरे पास कंटिन्यूटी है वो मेरी यहाँ पे, ये जो मेरा, ये जो जो ये मेरा क्वेश्चन था वो मेरा कंटिन्यूस है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ इज कंटिन्यूस एट एट एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स यहाँ पे हम सी लिए थे ना, हाँ, तो एक्स इज इक्वल टू सी पे ये जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट कंप्लीट। तो अब हम सॉल्व करेंगे
इसका क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड हम सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड के सेकंड में देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे वन वन दिया हुआ है, यहाँ पे अपान में एक्स माइनस फाइव दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऐसा जब क्वेश्चन दिया रहता है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन को हम देख कर सकते हैं कि ये मेरा कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे एक्स माइनस फाइव है तो यहाँ पे अगर फाइव हो जाता है तो फाइव माइनस फाइव जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी यहाँ पे जीरो, यहाँ पे फाइव रहता है और यहाँ पे फाइव माइनस फाइव रहता है तो जीरो जीरो हो जाता है, तो उसको हम मतलब कह सकते हैं कि नॉट डिफाइन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए किस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि ये मेरा कंटिन्यूअस है। यहाँ देखिए ये जो वन है वो मेरा कांस्टेंट है, और यहाँ पे एक्स माइनस फाइव जो है मेरा, एक्स माइनस फाइव जो है वो मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये मेरा वन जो है वो कांस्टेंट है, एक्स माइनस फाइव जो है वो मेरा, ये मेरा पॉलिनोमियल है। तो इस चीज़ से हम बता सकते हैं कि ये मेरा जो, ये जो मेरी फंक्शन दी हुई है वो फंक्शन मेरी ये मेरी फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। जो मेरी ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ये चीज़ यहाँ पे हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कभी भी फाइव नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर फाइव होगा तो फाइव माइनस फाइव जीरो हो जाएगा। अगर ये चीज़ हम पढ़े हैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि डिवाइड वाले रूल में यहाँ पे फाइव माइनस, अगर यहाँ पे वन है, यहाँ पे ऊपर कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे नीचे जो है, नीचे जो है कभी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो हो जाता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे कभी फाइव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइव नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे इस चीज़ को तो हम देख कर सकते हैं सिंपली कि ये मेरा कंटिन्यूअस है, या क्योंकि यहाँ पे मेरा वन जो है वो कांस्टेंट है और एक्स माइनस फाइव जो है वो मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। लेकिन इसको हम अब शो करके भी दिखा देते हैं। तो शो इसको मतलब हम सॉल्व कर, एक नंबर पूछेगा तो इसी तरह बता सकते हैं। आगे इसको हम सॉल्व भी करके आपको दिखा देते हैं, ठीक। तो अगर इसमें दो या तीन नंबर में पूछता है तो यहाँ पे इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज तो हो गई, फिर यहाँ पे भी हम जैसे इसके फर्स्ट वाले में कोई एक रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक पॉइंट दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम एक रियल नंबर लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट सी बी अ, सी सी बी अ रियल नंबर, जो सी है वो मेरा रियल नंबर है। बाकी जैसे हम इसका थर्ड वाला से फर्स्ट वाला सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ और यहाँ पे हो जाएगा सी इज इक्वल टू वन अपान सी माइनस फाइव। ये हो गई मेरी फंक्शन की वैल्यू। अब हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू तो मेरी ये आ गई, फंक्शन की वैल्यू मेरी आ गई। अब इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, ठीक है, सी माइनस हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे लिमिट एक्स माइनस सी, ठीक है, एक्स टेंस टू सी, सी हो गया। फिर यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया वो चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं वन, यहाँ पे दिया वन एक्स माइनस फाइव, तो यहाँ पे वही चीज़ लिख लेते हैं एक्स माइनस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे एक यहाँ पे यहाँ इस जगह पे हम सी पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, इसको नीचे कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लिमिट हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा वन, और यहाँ पे एक्स की जगह सी लिख लेंगे तो सी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ी छोटी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे एच होगा और यहाँ पे फाइव होगा, और एच जो है वो मेरा जीरो है, ठीक है, एच जो है मेरा जीरो है, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास आ गया, यहाँ से मेरे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा, ये तो जीरो है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वन अपान सी माइनस फाइव, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू वन अपान सी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी आ गई मेरे, सी वन अपान सी माइनस फाइव और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई सी माइनस फाइव। अब इसकी हम राइट हैंड लिमिट भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जीरो रखेंगे तो यहाँ पे सी माइनस जीरो, तो ये जीरो से काम, जीरो हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा सी माइनस फाइव। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब राइट हैंड लिमिट यहाँ पे बहुत जैसे इसको निकाले हैं वैसे इसको निकाल लेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस, सी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बस वही लिख देंगे कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा और मेरे पास दिया था लिमिट, मेरे पास दिया हुआ है एक्स टेंस टू, हम सी ले लिए हैं, ठीक है, सी प्लस, और यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन दिया हुआ था एक्स माइनस फाइव दिया हुआ था, और यहाँ पे जब हम सी रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन अपान सी, सी हो जाएगा सी प्लस का यहाँ पे एच और यहाँ पे माइनस का फाइव, यहाँ एच रखे हैं तो यहाँ पे इस चीज़ को बताना पड़ेगा लिमिट एच टेंस टू जो है, एच जो है वो मेरा जीरो है, यहाँ पे दिखा दिए एच जो है मेरा जीरो है। बाकी बाकी इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बस यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा वन अपान, वन अपान यहाँ पे आ जाएगा वन अपान सी माइनस
फाइव। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड भी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये वैल्यू तीनों में सेम आ गई है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ इज अ कंटिन्यूअस और एक्स इज सी। ठीक, तो ये चीज़ हम यहाँ पे नीचे, ये चीज़ हम यहाँ पे नीचे रख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड भी, तो अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड का थर्ड में फंक्शन, ये फंक्शन दी हुई है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें भी वही है कि यहाँ पे जो नीचे, ये देखिए ऊपर, ये भी मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये भी मेरा पॉलिनॉमियल है, एक्स प्लस 5 ये भी मेरा पॉलिनॉमियल है, लेकिन यहाँ पर भी मेरा 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ये 5 आ जाता है तो यहाँ पर मेरा 0 हो जाता है। ये चीज़ हम पढ़े हैं कि अगर नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो मेरा नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हमें ये चीज़ लिख देते हैं कि एक्स जो है और यहाँ पे माइनस 5 नहीं आना चाहिए। माइनस 5 आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस 5 प्लस 5 यहाँ पे ये चीज़ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल है, तो जब ये दोनों पॉलिनॉमियल है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल रियल नंबर आर कंटिन्यूअस, जो ये जो मेरा ऑल रियल नंबर है वो मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, जो कि हम अपने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। और यहाँ पे कभी भी एफ अपान जी के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे जी जो है अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़े थे, जी जो है वो कभी भी मेरा 0 नहीं होना चाहिए। हम ये चीज़ पढ़े थे अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो जी है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे माइनस 5 आ जाता है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी माइनस 5 नहीं आना चाहिए। और ये मेरा पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल रियल नंबर आर कंटिन्यूअस, तो ये मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह तो हम कह सकते हैं। अब इसे हमें शो करना रहेगा, तो शो इसे हम कैसे करेंगे, तो देखिए शो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 है और एक्स प्लस 5 है। तो देखिए यहाँ से मेरा फार्मूला बन रहा है, फार्मूला क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ से बन जाएगा और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा एक्स प्लस 5। तो ये चीज़ें मेरी बन गई। ऐसा क्वेश्चन जो है कि हम क्लास 11th में सॉल्व कर चुके हैं लिमिट में। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो गया। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एक्स प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एक्स माइनस 5, एक बार प्लस में एक बार माइनस। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 5 बन गया है और यहाँ पे x माइनस 5 बन गया है और नीचे मेरे पास आ जाएगा x प्लस 5। तो x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस 5 ये मेरे पास कट जाएगा, ये चीज़ मेरे पास कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फंक्शन जो आ जाएगा मेरे पास, फंक्शन मेरे पास थोड़ा सा ये आ गया है एक्स माइनस 5। तो ये जो एक्स माइनस 5 है, ऐसा क्वेश्चन हम इसमें थर्ड का फर्स्ट ये चीज़ हम सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप नीचे ये चीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये थर्ड के फर्स्ट में ही हम इस चीज़ को सॉल्व किए थे। ठीक, तो फंक्शन की वैल्यू अब ये आ गई है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार और आपको बता देते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कभी भी अगर माइनस 5 आ जाता है तो 5 माइनस 5 प्लस 5 मेरे पास 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हैं कि एफ तो ठीक है, लेकिन जी जो है वो कभी भी मेरे पास 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आप अब आगे सॉल्व कर लीजिएगा। आगे मेरे पास क्या करना है, जो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ही सॉल्व किए थे, यही फंक्शन की वैल्यू थी। ठीक, तो अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए यहाँ पे हमें सीधा दे दिया है कि एक्स जो है वो यहाँ पे एन है। ठीक है, हमें यहाँ पे ये पॉइंट दे दिया हुआ है, तो हमें इसमें एन पॉइंट पर दिखाना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे दिखा देंगे, फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है और हमें यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है और हमें दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको बाकी जैसे क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं कंटिन्यूअस, वैसे इसमें भी हम आपको कंटिन्यूअस दिखा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गिवन है मेरा पास, गिवन है फंक्शन की वैल्यू, तो उसको लिख लेते हैं। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर एन। ठीक है, और हमें किस पॉइंट पे करना है, एन पॉइंट पे करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक, अब यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू हमें एन पर निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एन इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे एन रख देंगे तो एन के पावर एन। तो ये मेरी आ गई फंक्शन की वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू एन के पावर माइनस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स और यहाँ पे एफ एक्स हो गया। अब यहाँ पे लिमिट
यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू एन के माइनस यहाँ पे हो जाएगा, एक्स जो है वो मेरा एन है, यहाँ पे ये चीज़ हम लिख देंगे एक्स और यहाँ पे एन। ठीक, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन और अपना आंसर मतलब सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हम लिख देंगे एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह हम यहाँ पे एन लिख देंगे एन। ठीक है, और थोड़ी सी छोटी के लिए हम बाकी क्वेश्चन में जैसे एच लेते लेते आए हैं वैसे यहाँ पे भी एच ले लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फिर उसके बाद मेरे पास ऊपर एन लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम दिखा देंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच जो है वो मेरा जीरो है। ठीक, बस बस मेरा यहाँ से अब सॉल्व हो गया। यहाँ से बस सिंपली अब हम यहाँ पे लिख देंगे एच माइनस जीरो इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, सॉरी ये मेरा एन है, एच नहीं एन है। ठीक है, ये एन एन माइनस जीरो। ठीक है, तो एच एच को हम यहाँ पे जीरो लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो था, तो जीरो लिख दिए हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा एन के पावर एन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, एन के पावर एन। अब इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस फिर उसके बाद एफ एक्स, फिर यहाँ पे लिमिट और यहाँ पे एक्स टेंस टू एन प्लस और यहाँ पे एक्स के पावर एन। ठीक, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास इसको हम लिख सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, अभी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एन और यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे एच लिख लेंगे जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में लिखते थे, एच लिख लिए और यहाँ पे मेरे पास एन हो जाएगा और एच जो है वो मेरा जीरो है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक, एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे मेरे पास अब आ गया, यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एच की जगह हम जीरो रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस जीरो के पावर एन। ठीक है, तो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर आ गया एन के पावर एन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एन के पावर एन, यहाँ पर भी देखिए एन के पावर एन और यहाँ पर भी देखिए एन के पावर एन। तो यहाँ से एक चीज हम कह सकते हैं, यहाँ से बस वही चीज लिख देंगे कि एफ इज अ कंटिन्यूअस। ठीक है, एफ इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू एन पे। ठीक है, एट एक्स इजिकल टू एन पे। तो क्वेश्चन नंबर फोर भी मेरा बहुत सिंपल था, जिसमें अगर ये पॉइंट दे देता है उसमें हमें बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो करने में बहुत ही आसान लगता है और हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी मेरा कंप्लीट हो गया।